Hi there guys, today I'm going to tell you how to add call now button in your mobile website. Okay, let's move forward. First of all, we have to add a plugin which name is call now button. हम इसको सर्च करते हैं इसके plugins के add new में करके. यहाँ पे हमने ऐड किया call now button. Plugins तो बहुत सारे मिल जाएंगे दोस्तों, लेकिन ये जो है ये number one click to call now button. ये लोग अपने आप को प्रूफ करते हैं, तो इस प्लगइन को मैंने इंस्टॉल्ड किया हुआ है, एक्टिवेट कर लेते हैं. इसके तकरीबन 2 लाख एक्टिव इंस्टॉलेशन है और 100 तकरीबन है इसके रिव्यूज़ हैं, तो हम इसको एक्टिवेट करते हैं. ठीक है जी, एक्टिवेट करने के बाद वेबसाइट पे देखते हैं कुछ आया कि नहीं आया. वेबसाइट पे तो कुछ नहीं आया. हम इसकी सेटिंग्स चेक करते हैं. कॉल नाउ बटन यहाँ पे आ गया. ठीक है जी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दी भी हैं. अब हम अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर विदाउट एन अकाउंट. मैंने इस पर क्लिक किया, इसको एक्टिव किया. फ़ोन मैंने कहा ठीक है जी, फ़ोन नंबर मैंने यहाँ लिख दिया, कुछ भी सही है, अपना रैंडम डाल दिया. बटन टेक्स्ट कॉल नाउ और इसको सेव करता हूँ. ठीक है जी, फ्री के अंदर ये ऑप्शंस हैं. इसमें बता रहा है कि भाई आप गेट दिस ऑल दिस फॉर फ्री साइन अप करते हैं, तो प्रो में ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि ये दे रहा है. ठीक है, यहाँ पर राइट साइड पर साइन अप करेंगे वो तो अलग है, प्राइसिंग इसकी लिखी हुई आ जाएगी सारी चीज़ें. तो मैंने कहा राइट साइड पर आना चाहिए कॉर्नर पर, और मोबाइल ओनली डेस्क ऑल स्क्रीन पर आना चाहिए. ठीक है जी, लिमिट अपेयरेंस इसमें कुछ नहीं लगाते हम. ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं. अब हमारे पास ये बटन शो होना चाहिए. मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये उस नंबर पे लेके आएगा जो कि मैंने कॉल करनी है, जो कि मैंने पीछे ऐड किया है फ़ोन नंबर के अंदर. अब अगर मैं इसको सेट करता हूँ मोबाइल के ऊपर, तो मोबाइल पे ऊपर ये बस बेहतरीन आ रहा है. इसकी सेटिंग मुझे अगर चेंज करनी है, प्रेजेंटेशन यानी फुल बॉटम. ठीक है जी, और ऑल स्क्रीन सेट कर देता हूँ मैं. ठीक है जी, इसको सेव करता हूँ अब और इसको रिफ़्रेश करता हूँ मोबाइल मोड में. तो ये देखिए, ये आप अगर रियल टाइम पे मोबाइल पे देखेंगे तब भी ऐसे ही आ रहा होगा. ठीक है जी, इसी तरीके से अगर आप इसको साइन अप करते हैं या साइन फ्री वाला जो अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे इसमें. ठीक है, क्रिएट, अगर मैं अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो देखते हैं क्या सीन बनता है इसमें. मैंने ये क्रिएट कर लिया, सही सी मेल को मैंने ऐड किया था. ठीक है जी, और कंफर्मेशन के लिए इस पर क्लिक कर देते हम. यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है जी, ये इन्होंने कुछ ऑप्शंस और क्रिएट हो गए. सेलेक्ट सिटी मैंने कहा पाकिस्तान, चले सिटी में कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसमें कोई मसला नहीं है. ठीक है जी, क्रिएट बटन सेटिंग इस पर मैंने क्लिक किया बटन पे, और ये मुझे डिफरेंट स्टाइल दे रहा है. फिलहाल प्रो के अंदर ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, सिंगल में सिर्फ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं. तो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, बटन नेम लिख देता हूँ कॉल नाउ. देखें ना, अगर ये आप प्रो वाला ऑप्शंस इनेबल करते हैं, ये प्रो प्लगइन्स के एक्टिवेट करते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे सेटिंग के अंदर. नेक्स्ट किया मैंने, ठीक है जी, ये मुझे व्यू भी दे रहा है. ऐड एक्शन, ऐड एक्शन के अंदर आप लिख देते हैं, ईमेल लिख देता हूँ मैं. चलो ठीक है, ईमेल एड्रेस मैंने अपना ऐड कर दिया यहाँ पे. बटन लेबल कॉलस, ठीक है, और ग्रीन की जगह मैंने कोई और कलर कर देता हूँ. सही, टेक्स्ट वाइट ही रहेगा. शो आइकन, आइकन जी आएगा, शो होगा. एक्स्ट्रा ईमेल सेटिंग्स, और कुछ करना है? मैंने कहा नहीं भाई, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर. इसको सेव करते हैं. ये ऑप्शन तब इनेबल हुए हैं दोस्तों जब ने साइन अप करा है फ्री ऑप्शंस पे. ठीक है, तब जाके ये ऑप्शंस राइट साइड पे हमारे जो आ रहे थे वो हट गए और हमें एक व्यू मिल गया. ठीक है जी, और ऑलवेज विजिबल, सही है जी. स्केजुलिंग, इसको मैं दोबारा एडिट करता हूँ. और ऑप्शंस भी इसमें आ रहे थे, स्केजुलिंग में क्या सीन है देख लेते हैं.
शो ऑल टाइम, ठीक है, वरना अगर आप प्रो एक्टिवेट करते हैं तो इसमें ही बताया था भाई कितने दिन आपको एक्टिवेट करने हैं, यानी हफ्तावार बंद करना है तो वो आप कर सकते हैं आफ्टर आवर्स, सही है, इस तरह अपने हिसाब से टाइमिंग भी इसमें सेट कर सकते हैं। बेहतरीन नहीं है दोस्तों इतना एडवांस लगिन मैंने नहीं देखा कभी इस तरह का, ये कॉल नाउ वाले बटन का, ठीक है। टेम्पलेट्स में आते हैं तो टेम्पलेट में भी ये हमें पेड वाले में ज़्यादा ऑप्शन दे रहा है, फ्री वाले में कम दे रहा है, ठीक है। ये वाला अगर सेलेक्ट कर लेते हम, और नहीं फिलहाल जो हमने सेलेक्ट किया वही कर लेते हैं, टेम्पलेट हमने यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, वेबसाइट को जो हमने बनाया था, और अब देखते हैं हमारे पास ये कैसा आ रहा है, जो हमने सेटिंग करी है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है जी। ये देखिए डेस्कटॉप पे भी आ गया, अगर मैं उसको मोबाइल मोड में लेके जाता हूँ तो मोबाइल मोड में मेरे पास ये आ गया बेहतरीन, इसको मैं चेंज करता हूँ लिंक को। अच्छा ये दो क्रिएट हो गया हमारे पास ना, इसीलिए मसला आ रहा था, वो दूसरा वाला दिखा रहा है, तो हम ये वाले को डिसेबल कर देते हैं, बटन क्रिएटेड विया वर्डप्रेस लगिन ये क्रिएट डिसेबल कर देते हैं, और ये हमने इनेबल किया था ना अभी, कौन सा कॉल नाउ वाला, तो ये वाला देखते हैं हमारे पास आया कि नहीं आया कॉल नाउ वाला, उसका आइकन भी चेंज कर देते हैं, ठीक है ये वाला ईमेल आइकन वाला, ठीक है ये आ गया हमारे पास। और अगर हम इसको, ठीक है जी ईमेल भी चल रही है इस पर, अगर मैं इसको डेस्कटॉप पे देखता हूँ तो डेस्कटॉप पे कैसे आएगा, डेस्कटॉप पे ये सेंटर में आएगा, ठीक है जी, डेस्कटॉप में सेंटर में आएगा, इसकी पोजीशन का ऑप्शन टॉप है बॉटम है, ठीक है। मैंने कहा भाई टॉप भी रख सकते हैं, विजिबिलिटी ऑल सीन मोबाइल ओनली, ये भी आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई रूल लगाना है इसके अंदर कि किन पेजेस पे शो होगा किन पे नहीं होगा, वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है कि ब्लॉक के पेज पे क्या है, फिलहाल मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। डिस्प्ले हाइट बटन करना है, किसके लिए करना है, ये सारे ऑप्शंस दिए हैं, ये डिपेंड करता है आपको मज़ीद सेटिंग इसमें एक्सप्लोर करनी है वो आप देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये गूगल एनालिटिक्स भी इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं, ट्रैक के किस किसने बटन पे क्लिक किया, ठीक है। अगर गूगल एनालिटिक्स की आपके स्क्रिप्स लगी हुई हैं, कन्वर्जन जो होती हैं आपकी हेडर के अंदर सारी स्क्रिप्स लगी हुई हैं, ये तो आपको ये कन्वर्ट, ये आपको इसके क्लिक्स भी काउंट करके देगा उसके अंदर एनालिटिक्स के अंदर। अच्छा ये प्रो के ऑप्शन हैं, एरर ये मल्टीपल बटन और पर पेज, ये प्रो के अंदर दिया हुआ ऑप्शन हमारे पास, ठीक है जी। तो हमारे पास ये बटन हमने क्रिएट कर लिया, और इसके अंदर ये बस ये कि आप ये कॉल नाउ ईमेल सेटिंग मल्टीपल बटन भी आ सकते हैं, वो प्रो के अंदर आएंगे इसमें दिया हुआ, ठीक है। और ये सारे ऑप्शंस अब जब साइन अप कर लिया ना आपने फ्री वाले पे, तो ऑप्शंस कुछ चेंज हो जाएंगे, जो कि मैंने नोटिस किया पहले यहाँ ऑप्शन आ रहे थे, फिर ये ऊपर चलेगा बटन्स के नाम से आ गया, ठीक है। तो ये सारे प्रो के ऑप्शन हैं इसमें, ये दिया हुआ अपग्रेड करेंगे तो ये ट्राई प्रूफ, और फिर ये भी चेक कर सकते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड डालने पर मांग रहा है या विदाउट इस पर मांग रहा है, ये आपको फ्री दे रहा है चेक करने के लिए। एपीआई की कनेक्टेड है हमारे पास, ठीक है। अकाउंट आईडी ये है, एडवांस में जाएंगे शिका आपने हिसाब से टाइम जोन रख लिया, मैंने तो अभी कुछ भी रख दिया है इसके अंदर यहाँ पे जो अवेलेबल था। डिबग मोड इनेबल करना है, डिसेबल करना है, ठीक है। और सिंगल डोमेन के लिए चलाना है या ऑल डोमेन्स के लिए चलाना है, सब डोमेन भी चले, ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम।